Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Study College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you all a new topic, that is guidance of school children for mental health, or you can say for mental health awareness. Previous to this, I have already discussed with you the concept of mental health in students, and the principles of mental health. And this time I am going to discuss with you the guidance services required for that. So, mental health and well-being, मानसिक स्वास्थ्य और खैरियत कह सकते हैं आप, हालचाल कह सकते हैं, well-being कि आपका जो being है वो अच्छे से है कि नहीं, well to do है कि नहीं, ये सारी बातें मतलब mental health के संग जुड़ा हुआ concept है ये. तो mental health and psychosocial well-being are some of the most neglected areas in our country. हमारे देश में ये एक उपेक्षित मुद्दा क्षेत्र रहा है, मानसिक स्वास्थ्य और इन पर बात करना. The NMHS National Mental Health Survey 2016 reports या reported that almost 150 million citizens of our country need care and support for their mental health and well-being. यानी कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो 2016 में हुआ, उसने बताया है कि लगभग 150 मिलियन हमारे देश के नागरिक ऐसे हैं जिनको कि मानसिक स्वास्थ्य और वेलबींग के क्षेत्र में केयर और सपोर्ट की जरूरत है. एडिशनली इट वॉज डिस्कवर्ड दैट बिटवीन 70-90% ऑफ दीज पीपल फेल्ड टू रिसीव अर्ली टाइमली एंड क्वालिटी इंटरवेंशन. देखिए, ये जितने भी मुद्दे होते हैं उनमें जितना जल्दी अर्ली डिटेक्शन, जितना अर्ली डिटेक्शन हो जाता है उतनी जल्दी क्योर किया जा सकता है, उसके लिए सोल्यूशंस, उसके लिए सजेशंस दिए जा सकते हैं, उसके सोल्यूशंस ढूंढे जा सकते हैं. तो ये भी कहा गया कि 70-90% लोग ऐसे हैं जिनको कि अर्ली मतलब जल्दी ही समय से और गुणवत्तापूर्ण इंटरवेंशन या सुधार या सुझाव या उसके लिए सहायता नहीं मिलती है. ठीक है, अब बात आती है कि मेंटल हेल्थ स्कूल्स के लिए का मुद्दा स्कूल्स के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है. देखिए, हर बच्चा विद्यालय जा रहा है, विद्यालय में बहुत सारा समय वो अपने मतलब घर से एक तरीके से देखे तो बहुत दिन का मैक्सिमम समय, क्योंकि बाकी समय तो खेलने खाने कूदने सोने में ही चला जाता है. तो मुझे लगता है कि ज्यादा समय हम विद्यालय में ही बिताते हैं, वो जो फाइनली दिन का समय है जो कि यूज किया जाने वाला समय है. तो एक तो ये बात, दूसरी बात, हर बच्चा है वहाँ, मार्जिनलाइज सेक्शन का भी है, डिसएडवांटेज भी है, हर तरीके के बच्चे आपको मिल जाएंगे. तीसरी बात, वो अपने पीयर ग्रुप के साथ रहते हैं तो जनरली मतलब वो अपना, देखिए हम घर में कैसे हैं, विद्यालय में कैसे, अलग अलग तरीके का बिहेवियर शुरू करते हैं. और कई बार हम अपने टीचर से इतने प्रभावित हो जाते हैं या हमको बढ़िया टीचर मिल जाता है तो हम उससे अपने दिल की बात भी कह देते हैं, जो हम अक्सर अपने घर वालों से, पेरेंट्स से कहने में डरते हैं कि वो डांटेंगे ऐसा कुछ, है ना. तो ये सारे, और ये तो मतलब मैं इन जनरल बता रही हूँ, जो स्पेसिफिक है वो क्या है, जो इसमें लिखे हैं कि मेंटल हेल्थ इज फंडामेंटल टू गुड हेल्थ एंड वेलबींग एंड इज क्रिटिकल टू चिल्ड्रंस लर्निंग डेवलपमेंट एंड थ्राइविंग. देखिए, बच्चे का अगर मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो आपका जितना भी पढ़ाना लिखाना है सब बेकार है, उसका कोई आउटकम निकल के आने वाला नहीं है. तो पहली बात कि वो उसके अच्छे स्वास्थ्य की नींव मानसिक स्वास्थ्य से ही पढ़नी है, और उसका सीखना, उसका विकास सब कुछ इसी पर डिपेंडेंट है कि उसका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है. दूसरी बात, The UN Convention on the Rights of the Child commits all countries to promote and protect child and adolescent mental health. देखिए, जब mental health की बात होती है तो adolescent एक खास एक उनके में वर्ग उभर के आता है, क्योंकि वहाँ mental health के deterioration के chances ज्यादा होते हैं. तो UN Convention यानी कि United Nations ने भी कहा, rights of child पे जब convention निकाला उसमें commit किया कि सभी देशों को promote करना चाहिए, protect करना चाहिए बच्चों की और किशोरों की मानसिक स्वास्थ्य को. इसलिए भी जरूरी भाई, हम वहां सिग्नेचर ही है, हमने वहां साइन किया है तो हमको उसके लिए काम करना है. फिर मेंटल हेल्थ एंड साइकोसोशल वेलबींग इज अ सिग्निफिकेंट कंसर्न फॉर एडोलेसेंट्स अराउंड द वर्ल्ड. देखिए, बात निकल के आ गई कि वैश्विक स्तर पर पूरी दुनिया में किशोरों के लिए मानसिक स्वास्थ्य और उनके मनोसामाजिक जो खैरियत का हिस्सा है, क्षेत्र है, वो एक सिग्निफिकेंट कंसर्न की बात रखता है, सिग्निफिकेंट कंसर्न का क्षेत्र है, हिस्सा है. Half of mental health disorders begin by the age of 14. So, ये 12 अलग से आ गया, I think. So, it is critical to intervene as early as possible. है ना, ज्यादातर, ज्यादा मतलब आधे से ज्यादा, या आप कह सकते हैं आधे मानसिक स्वास्थ्य के जो डिसऑर्डर है वो लगभग वही 12-14 साल से शुरू होने, दिखने शुरू होते हैं. इसलिए जितना जल्दी आप इंटरवीन कर सकें उतना बढ़िया होगा. Evidence increasingly confirms the importance of strengthening the capacity of schools and early childhood education services to promote mental health and assist children and families dealing with mental health problems.
रिस्पॉन्स. वो कह रहे हैं कि ये सबूतों से, पुख्ता सबूतों से या एविडेंस से, साक्षियों से ये कंफर्म होता है कि अगर आप स्कूल की कैपेसिटी बढ़ा दें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सर्विसेज में मेंटल हेल्थ एक्सेट्रा को प्रमोट करने के लिए, तो बच्चों को डायरेक्ट असिस्टेंस मिल सकता है वो जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं. ठीक है, और क्या. फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंस हुज होम एनवायरमेंट इज नॉट सेफ एंड नर्चरिंग, द स्कूल कैन बी अ क्रूशियल सेफ्टी नेट सपोर्टिंग बेसिक सोशल इमोशनल एंड फिजिकल नीड्स. वो बच्चे या किशोर जिनके घर का वातावरण सुरक्षित नहीं है, वहां दिक्कत है, वहां नर्चरिंग एनवायरमेंट उनको नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए विद्यालय एक सेफ्टी और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के रूप में काम आ सकता है. फिर स्कूल बेस्ड प्रोग्राम्स फॉर सोशल एंड इमोशनल लर्निंग आर लिंक्ड टू मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स इन कंट्रीज एट ऑल इनकम लेवल्स. स्कूल्स आर एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ सपोर्ट. प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स इन एडोलेसेंस लीड्स टू इम्प्रूव्ड हेल्थ एंड वेलबींग ओवर टाइम एंड यील्ड्स गेन्स इन लर्निंग एंड एजुकेशन आउटकम्स, ऑल ऑफ विच कैन ट्रांसलेट इन टू बेनिफिट्स टू नेशनल इकोनॉमीज ओवर एन इंडिविजुअल्स लाइफ स्पैन. मतलब कहने का कि अगर हमको प्रिवेंशन हो जाएगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा बच्चों का, किशोरों का, तो वो हम उनको लर्निंग में लाभ होगा, एजुकेशन आउटकम बढ़िया मिलेगा और सारी चीजें ठीक रहेंगी, है ना. फिर रोल ऑफ स्कूल. तो विद्यालय, मतलब ये बात इंपॉर्टेंट हो गई कि मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, फिर ये बात इंपॉर्टेंट हो गई कि मेंटल हेल्थ का कंसर्न स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है. तो स्कूल किस तरह से अपनी भूमिका निभा सकता है, विद्यालय क्या कर सकता है. स्कूल्स एंड अदर लर्निंग एनवायरमेंट्स कैन बी एंड मस्ट बी इक्विप्ड टू एड्रेस स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ एंड साइको सोशल वेलबींग नीड्स, यानी कि हम कर सकते हैं और करना चाहिए. अ सपोर्टिव लर्निंग एनवायरमेंट शुड बी क्रिएटेड इन सच अ मैनर दैट सेफगार्ड्स मेंटल हेल्थ वेयर ऑल लर्नर्स एंड एजुकेशनल प्रोफेशनल्स फील. क्या करना है हमको, बच्चे अपने आप को इंक्लूडेड महसूस करें, सपोर्टेड महसूस करें और वैल्यूड महसूस करें. यही हम लोगों ने प्रिंसिपल्स पे भी बात की थी जब प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ की बात हो रही थी, कि इन एक्सेस, इंक्लूजन, कमिटमेंट टू एक्सीलेंस, ये सारी बातें थी ना. तो इंक्लूड अपने आप को समझे, एक्सक्लूडेड ना समझे, ये समझे कि हाँ उसके संग कोई दिक्कत होगी तो उसका उसकी मदद की जाएगी, उसको सपोर्ट दिया जाएगा और उसकी कीमत है. हमको बहुत हमारी सेल्फ इमेज इस बात से खराब होती है अगर हमें पता चले कि अरे हमारी कोई कीमत ही नहीं है, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, हमारे रहने ना रहने से किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है. तो ये नहीं होना चाहिए. फिर इफेक्टिव इंटीग्रेशन ऑफ मेंटल हेल्थ इन स्कूल्स कैन, तो अगर हमने एकीकरण कर लिया प्रभावपूर्ण तरीके से मानसिक स्वास्थ्य का विद्यालयों में, तो क्या क्या हो सकता है. इम्प्रूव एजुकेशनल आउटकम्स, शैक्षिक जो आउटकम निकल के आ रहा है वो सुधर जाएगा, सुधर सकता है. इंक्रीज लर्नर्स मेंटल हेल्थ लिटरेसी, देखिए कितने नए नए शब्द मिलते हैं, डिजिटल लिटरेसी हुआ, नॉर्मल लिटरेसी, अब मेंटल हेल्थ लिटरेसी, कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन मेंटल हेल्थ में हम इलिटरेट हैं, तो वो बढ़ सकती है आपकी साक्षरता मानसिक स्वास्थ्य में. फिर प्रमोट लर्नर्स सोशल एंड इमोशनल लर्निंग. आजकल SEL बहुत बहुत ये पॉपुलर टर्म हो गया है. SEL क्या है, SEL सोशल एंड इमोशनल लर्निंग. सिर्फ हमको किताबी ज्ञान नहीं चाहिए, हमको सामाजिक और सामाजिक रूप से भी हमको दक्ष बनना है, क्योंकि हमको रहना तो समाज में ही ना, पढ़ लिख कर और आप ना किसी से आपका तालमेल बैठ रहा है, ना किसी से कोई, ना आपको कोई समझ रहा है, ना किसी को आप समझ रहे हैं, तो फायदा क्या, चलेगा नहीं. फिर हेल्प आइडेंटिफाई एट रिस्क लर्नर्स एंड प्रोवाइड सपोर्ट इंक्लूडिंग थ्रू रेफरल पाथवेज टू हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर सेक्टर्स. मतलब एट रिस्क पे जो है, जो एकदम एकदम कगार पे है कि अगर अब उसको सहायता नहीं मिली तो दिक्कत हो जाएगी, उसके संग उसको आइडेंटिफाई करना, उसको सपोर्ट करना, है ना, उसमें हेल्थ, सोशल वेलफेयर सेक्टर सबकी, सबको रेफर करना और रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ मेंटल हेल्थ कंसर्न्स डेवलपिंग इनटू मोर सीवियर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड रिस्क बिहेवियर्स. तो ये सारे काम विद्यालय कर सकता है. अब बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ एंड साइकोसोशल सपोर्ट इन स्कूल, यानी कि कौन से वो स्तंभ हमारे विद्यालय में हों जिससे हम कह सकें कि हाँ यहाँ मेंटल हेल्थ का ध्यान रखा जा रहा है और सब कुछ ठीक है. पहली बात, क्रिएट एंड इनेबलिंग लर्निंग एनवायरमेंट फॉर पॉजिटिव मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग. ऐसा वातावरण बने जहाँ पॉजिटिव, किसी के संग कोई दिक्कत भी है तो उसको एकदम हेय दृष्टि से, उसको एकदम कोई उससे बात नहीं करेगा, कोई क्लास में उसके साथ नहीं बैठेगा, उसको डांटना, उसको ये सब नहीं, पॉजिटिव मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग के लिए एक एनवायरमेंट क्रिएट करना. गारंटी एक्सेस टू अर्ली इंटरवेंशन एंड मेंटल हेल्थ सर्विसेज एंड सपोर्ट. ये गारंटी हमको इस बात की देनी होगी कि अगर किसी के संग दिक्कत होगी तो हम उसको जल्दी से जल्दी इंटरवीन करके उसको मेंटल हेल्थ सर्विसेज और सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे. इसके उदाहरण होने चाहिए विद्यालय में. फिर प्रमोट टीचर वेलबींग, ये बात प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ में भी निकल के आई कि टीचर की वेलबींग का भी आपको ध्यान रखना है. एक मेंटली इल टीचर कैनॉट स्प्रेड द अवेयरनेस ऑफ मेंटल हेल्थ एंड अवेयरनेस टू देयर स्टूडेंट्स, है ना. एंड इनहेंस MHPSS. अब आप कहेंगे ये MHPSS क्या है, मेंटल हेल्थ एंड साइको सोशल सपोर्ट सर्विसेज.
कैपेसिटी इन दी एजुकेशन वर्कफोर्स ये आपको बढ़ाना है और इंश्योर मीनिंगफुल कोलैबोरेशन बिटवीन द स्कूल फैमिली एंड कम्युनिटी टू बिल्ड अ सेफ एंड नर्चरिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। हमें विद्यालय को परिवार के संग उनके समुदाय के संग भी इस तरीके का एक मीनिंगफुल कोलैबोरेशन मतलब कि अर्थपूर्ण सहयोग स्थापित करना है जिससे कि विद्यार्थी को एक बढ़िया सेफ नर्चरिंग लर्निंग एनवायरनमेंट हर जगह मिले, विद्यालय में भी मिले, घर में भी मिले, है ना। अच्छा, अब टीचर कैसे गाइडेंस दे सकता है, क्योंकि टीचर के संग बच्चा है, उसकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसके संग कोई दिक्कत है, या इन जनरल हमको कई बार हमारे संग दिक्कत होती है हमें पता ही नहीं होता है, लेकिन अगर उसका सलूशन हमको मिल जाता है तो हमको लाभ हो जाता है। तो सबसे पहली बात, टीचर को इस तरह से अपनी भूमिका क्लास में निभानी होगी कि वो रैपो एस्टैब्लिश कर सके स्टूडेंट के संग, कि स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो वो बिना झिझक टीचर से कह सके। सबसे बड़ी बात, आधी से ज्यादा दिक्कतें इसीलिए होती हैं कि हम कह ही नहीं पाते क्योंकि हमें पता होता है सामने वाला नॉन लिसनर है। फिर इनकरेज्ड अनमास्क्ड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। देखिए हम कितनी जगह अपने मास्क्ड एक्सप्रेशन शो करते हैं, छुपे हुए अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, नहीं ये नहीं दिखाना है, इतना बचा लेना है, ये गलत है। मतलब हर जगह आप रॉ इमोशंस शो करने भी नहीं चाहिए, लेकिन हमको अपने शिष्यों के संग, अपने स्टूडेंट्स के संग, विद्यार्थियों के संग उनको इनकरेज करना चाहिए कि आप अपने रियल एक्सप्रेशन शो कीजिए, देखा जाएगा, देखिए आपके मन में क्या है, कहाँ क्या चल रहा है, तब तो आप उसके सोल्यूशन के लिए उसको काउंसलर रेफर कर पाएंगे या उसकी कोई मदद कर पाएंगे, है ना। फिर नॉन या नो जजमेंटल, नॉन होना चाहिए था, नॉन जजमेंटल लिसनिंग एंड फीडबैक। हम जब भी किसी को सुनने बैठे, टीचर के रूप में, काउंसलर के रूप में, पेरेंट के रूप में, गार्जियन के रूप में, फ्रेंड के रूप में, स्पाउस के रूप में, तो ये बहुत जरूरी है कि हम नॉन जजमेंटल हों, बट ऐसा होता नहीं है जनरली। हम खुद पहले से कोई प्रिजुडिस या कोई कंसेप्शन, प्री नोशन बनाकर बैठते हैं कि तुमने तो ऐसे ही किया होगा, ये गलत है, ये तुम ऐसा ही कर सकते हो, ये तुम कर ही सकते हो ऐसा। लेकिन हम नॉन जजमेंटल अगर होंगे, पहले पूरी बात सुन के समझ के तब अंत में पहुंचे कि अच्छा तुमने किया, क्यों किया, गलत किया, सही किया, पर जो हम पूर्व निर्णय लेने की भूमिका में होते हैं उस वजह से स्टूडेंट्स जनरली अपनी बात नहीं कहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो कुछ भी कहेंगे आप उन्हें गलत ही समझेंगे। और फीडबैक और एंश्योर कंप्लीट कॉन्फिडेंशियलिटी, ये देखिए बहुत जरूरी है कि आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि अगर वो कोई आपके आपसे अपने दिल की बात, कोई ऐसी बात शेयर कर रहे हैं तो वो छुपी रहे, कॉन्फिडेंशियल रहे, मतलब बाहर निकल के हर बात जब बाहर आती है, देखिए तो हर लोगों के लिए वो गॉसिप का मुद्दा होती है और हर आदमी उसमें अपने हिसाब से नमक मिर्च लगा के और बोलता है, उसको क्या फर्क पड़ रहा है सामने वाले की इमोशंस पे क्या फर्क पड़ रहा है, जनरली लोग ध्यान नहीं देते। तो हमको कॉन्फिडेंशियल रखिए, जिससे बताना है सिर्फ उससे बताइए, अगर ऐसा होगा तो शिक्षक जो है निश्चित रूप से मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के क्षेत्र में अपने विद्यार्थियों के लिए काम कर सकेगा। अगर किसी के संग ज्यादा दिक्कत है तो उसको काउंसलर के पास भेजना होगा, तो काउंसलर की क्या भूमिका होगी या कौन से काउंसलिंग स्किल्स की जरूरत होगी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए, कि फोकसिंग, जो आप फोकस्ड रहे जो मुद्दा है उसी पे, एम्पैथाइजिंग मतलब आपके अंदर सहानुभूति होनी चाहिए, सिंपैथी तदनुभूति होनी चाहिए, एम्पैथाइजिंग मतलब तदनुभूति मतलब आप उस चीज को वैसे ही महसूस करें जैसे सामने वाला महसूस कर रहा है, रिफ्लेक्टिंग चिंतन करें जो भी मुद्दा आपके सामने है, जो भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर आपके सामने, नॉन जजमेंटल यहाँ भी रहना पड़ेगा, और बिल्डिंग ए रैपो या बिल्डिंग ए कनेक्ट आपको यहाँ भी करना होगा। तो इस तरह से अब मेंटल हेल्थ में कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो मैंने आपसे डिस्कस ना किया हो, किसी भी तरीके का सवाल आए तो आई थिंक यू आर केपेबल एनफ, यू विल बी केपेबल एनफ टू राइट इट डाउन इन ए वेरी गुड मैनर, है ना। वो कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, WHO ने मेंटल हेल्थ पे क्या कहा है, कौन कौन से डायमेंशंस है मेंटल हेल्थ के, है ना। फिर मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स के फैक्टर्स क्या हैं कि मेंटल हेल्थ बिगड़ जाती है, स्ट्रेस है, एग्जामिनेशन फैक्टर है, उसका एस्टैब्लिश रैपो नहीं बन रहा है, टीचर से उसकी कुछ अनबन हो गई है, बहुत सारे मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किए। और फिर मैंने आपसे प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन भी डिस्कस कर लिया। अब रोल ऑफ स्कूल पूछा जाए तो, रोल ऑफ टीचर पूछा जाए तो, रोल ऑफ काउंसलर पूछा जाए तो, व्हाई मेंटल हेल्थ इज इंपॉर्टेंट एज अ कंसर्न फॉर स्कूल्स, ये सब कुछ मैंने आपसे कवर कर लिया है। तो आई थिंक कि अब मानसिक स्वास्थ्य आपका ठीक रहना चाहिए। ओके, so thank you and don't forget to like and subscribe my channel explore education. I have done from my side.